हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आ गए हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आपको बताएंगे बोर्ड के कनेक्शनों के बारे में, बोर्ड की पूरी जानकारी देंगे आपको। जुड़े रहें हमारे चैनल से दोस्तों, लास्ट वीडियो लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर एक नई वीडियो आप तक पहुँचती रहा करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। ये है हमारा 16 एम्पेयर का कम्बाइंड बॉक्स, डबल वाला। इसमें दो स्विच हैं 16 के और दो ही सॉकेट हैं। आज हम बताएंगे इसके कनेक्शनों के बारे में कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। कॉपर वायर लेनी है आपको 2.5 mm की। वायर हल्की लगाएंगे, आगे लोड चलेगा ज़्यादा तो वायर हमारी ख़राब हो जाएगी। इससे पहले ही अच्छी हैवी वायर लगाएं जिससे क्या लोड पर वायर ख़राब ना हो। ये हम स्विच में पहले लगाएंगे, पहले सिंगल सिंगल पॉइंट लगा लेंगे वायर का ताकि आसानी रहे। ये हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल को पहले डिवाइड कर लेते हैं। हर एक सॉकेट में एक एक वायर लगा देते हैं पहले न्यूट्रल की। ये सॉकेट के हर एक पॉइंट पे न्यूट्रल पहुंच चुका है हमारा। ये इसका इंडिकेटर है, इसकी वायर लेके चले न्यूट्रल के साथ लगा दें, एक लगा दें फेस पर तो इंडिकेटर चालू हो जाएगा हमारा। स्विच के थ्रू लगाना है तो स्विच के थ्रू कनेक्शन करें, डायरेक्ट लगाना है तो डायरेक्ट लाइन पे लगाएं इंडिकेटर ताकि लाइट आए पता लग जाए। तो स्विच के थ्रू लगाना है तो स्विच ऑन करेंगे तभी लाइट जलेगी इंडिकेटर की। पहले न्यूट्रल इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका फेस कंप्लीट करते हैं। न्यूट्रल हमारा लग चुका है, सारे 2 पिन 2 में, 2 पिन सॉकेट में भी न्यूट्रल पहुँच चुका है, 5 पिन सॉकेट में भी न्यूट्रल पहुँच चुका है हमारा। चलिए दोस्तों देखते रहें वीडियो को, दोस्तों पूरा देखना तभी आपकी समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी कनेक्शनों के बारे में। अगर किसी और चीज़ की अगर वीडियो बनानी है स्पेशल आपके लिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट करें हमारे लिए, हम आपको एक नई वीडियो बना के भेजेंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों ताकि हर एक नई वीडियो आप तक पहुँचती रहा करें। ये हो चुका है हमारा फेस शुरू, अभी तो न्यूट्रल कंप्लीट हो चुका है। वैसे फेस के कनेक्शन करते हैं, ये लग चुका है हमारा न्यूट्रल में इंडिकेटर, इंडिकेटर के कनेक्शन हो चुके हैं। ये है हमारा फेस, फेस को स्विच में ही लेना है या फिर इंडिकेटर में, और 2 पिन जो सॉकेट लगाया हमने उसमें डायरेक्ट कर देंगे इसका। ये जो हमारा फेस है इसको हम इसको 2 पिन में डायरेक्ट लगा देंगे ताकि स्विच से अलग हो जाए। ये हमारा स्विच पे खाली 5 पिन रखना है और 2 पिन जो है डायरेक्ट रखना है। ये स्विच है हमारा 16 एम्पर का, इसके साथ एक सॉकेट हो चुका है। दूसरा वाला जो स्विच है उसके साथ एक सॉकेट हो चुका है, तो दोनों स्विच के साथ दोनों 5 पिन हमारे हो चुके हैं। अब जो 2 पिन है हमारा वो है अलग अलग, उसको डायरेक्ट रहने देंगे खाली, क्योंकि स्विच पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्विच पे खाली 5 पिन की ही ज़रूरत पड़ती है, बाकी लगाने को अगर आप चाहो तो लगा भी सकते हो, बाकी हम लोग डायरेक्ट ही करते हैं, हमारा तरीका कुछ अलग है। कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों कंप्लीट, हम इसे हम चेक करते हैं एक बार, चेक करके बल्ब जला के स्विच से बंद करके चालू करके सारी चीज़ बताएँगे आपको। देखते रहें दोस्तों, पूरे कनेक्शन करके कंप्लीट करके लाइट जला के आपको दिखाएंगे हम इस वीडियो में। कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों कंप्लीट, अब खाली इसे चेक करते हैं। ये हमारी मेन लाइन, 2 तार हमारे मेन लाइन के बाहर निकाल दिए हमने, यही मेन लाइन में लगने हैं, बाकी अंदर कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। कनेक्शन आप एक बार चेक कर लो, ध्यान से देख लो, इसी प्रकार के आपको कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन में अगर चेंजिंग करोगे तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। पहले बोर्ड अगर चेक करना है आपको हल्की लाइट देगा, सीरीज में चेक करना है, डायरेक्ट लाइट में ना लगाएं ताकि अगर शॉर्ट हो तो हमारे कोई फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट ना हो, सीरीज में ही चेक करें दोस्तों। चलिए दोस्तों चेक करते हैं इसे एक बार, कनेक्शन हो चुके हैं कम्प्लीट, अब इसको हम लगाएँगे डायरेक्ट सप्लाई देते हैं इसमें, लाइट में लगाएँगे इसे हम। ये हमारी मेन लाइन है, मेन लाइन में हमने इसके कनेक्शन कर दिए, हमने लगा दिया है, अब इसमें चेक करते हैं सप्लाई आई या नहीं आई।
स्विच के थ्रू काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हमारा इंडिकेटर जल चुका है, स्विच के साथ इंडिकेटर काम कर रहा है। ये बल्ब भी हमारा जल चुका है। और अगला टू पिन चेक करते हैं, ये भी डायरेक्ट है, ये जलेगा। ये दूसरा है हमारा 5 पिन, इसको स्विच के ज़रिए चेक करेंगे, ये भी 2 पिन ठीक है। चलिए दोस्तों, बोर्ड हो चुका है हमारा कंप्लीट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जुड़े रहे हमारे चैनल से।